हेलो व्यूअर्स, एनाना क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होममेड स्ट्रॉबेरी लिप बाम। इसे बनाना बहुत ही आसान है ना? ये स्ट्रॉबेरी लिप बाम विटामिन्स, मिनरल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ना? इसे लगाने से हमारे होंठ एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो जाते हैं और हमारे होंठ एकदम नेचुरल गुलाबी होने लगते हैं, है ना? इसे बनाने के बाद हम रेफ्रिजरेटर में इसे 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं और रूम टेम्परेचर पर इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 5 से 6 दिन ही होती है ना? इसे बनाने के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी 7 to 8, पेट्रोलियम जेली 1 टीस्पून, क्लैरिफाइड बटर 1 टीस्पून, ओलिव ऑयल 1 टीस्पून और जोजोबा ऑयल 5 ड्रॉप्स। बस, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये फ्रेश और अच्छी 7 से 8 स्ट्रॉबेरीज लेना है ना? हमें इसे अच्छी तरह से साफ करना है, इसके ये लीव्स पत्ते वगैरह इसे हटाना है और फिर इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है ना? हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसने के लिए मिल्क या रोज़ वाटर डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये काफ़ी जूसी होता है। तो चलिए इसका पल्प तैयार करते हैं, है ना? ये हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और इसका पल्प बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा इसका पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा और फाइन हुआ है ना? अब हमें क्या करना है कि अब हमें 1 टीस्पून पेट्रोलियम जेली लेना है, उसे एक बोल में निकालना है। ये हमने वैसलिन पेट्रोलियम जेली है लिए हैं, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। उसके बाद हमें 1 टीस्पून क्लैरिफाइड बटर लेना है ना? ये हमने 1 टीस्पून क्लैरिफाइड बटर ले लिया है और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून स्ट्रॉबेरी पल्प या स्ट्रॉबेरी पेस्ट डालेंगे और जोजोबा ऑयल डालेंगे 5 ड्रॉप्स या फ्यू ड्रॉप्स, है ना? और हम ये इसमें सिनेमन ऑयल इसमें 10 ड्रॉप्स डालेंगे। सिनेमन ऑयल में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे इस लिप बाम को ख़राब होने नहीं देंगी। एक तरह से ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है ना? चलिए अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद अब हम इसे एक अच्छे से कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, है ना? ये देखिए ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे कंटेनर में ट्रांसफ़र करके इसे कुछ देर के लिए या 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रीज करने रख देते हैं, है ना? ये हमने फ्रीज़र में फ्रीज कर दिया है और हमारा लिप बाम कम्प्लीटली बनकर तैयार हो गया है ना? ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसका स्किन पैच टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये कैसा बना है ना? ये देखिए कितना अच्छा, शानदार, फाइन, सेटिस्फैक्टरी बनकर हमारा ये तैयार हो गया है। बहुत ही स्मूथ है, नॉन ग्रीसी है और ये हमारे लिप्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा, है ना? ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है ना? तो आप भी अपना होममेड स्ट्रॉबेरी लिप बाम घर पर बनाइए और अपने अनुभव अनाना क्रिएशंस के साथ शेयर कीजिए, है ना? एक बार फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना? थैंक यू।